टुडे वी विल स्टडी अबाउट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है ग्लैसियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सेंसिटिव होती है कोल्ड के, इसके अंदर जो थर्स्ट है वो बहुत ग्रेट बर्निंग थर्स्ट है ऑल कंडीशंस के अंदर। लेकिन फीवर के अंदर क्या है इसकी थर्स्ट, मतलब इसको प्यास नहीं लगती फीवर के अंदर बिल्कुल भी। और एक और मेडिसिन है जिसके अंदर बेलेडोना, बेलेडोना भी ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर फीवर के अंदर थर्स्ट नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है। एपिस है, एपिस थर्स्टलेस रेमेडी है, लेकिन उसको जो इंटरमिटेंट फीवर होती है उसके अंदर उसको प्यास लगती है, फीवर उसकी थर्स्ट के साथ में होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। और उसको एनीमिया होता है, एनीमिया विथ डेबिलिटी, ठीक है। और वायलेंट बर्निंग पैन इन द स्टोमक एंड द चेस्ट फॉलोड बाय द कॉल्डनेस ऑफ स्किन एंड कॉल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड। और उसको आराम मिलेगा, रेस्ट बेटर ऑन लाइंग ऑन बेली, ठीक है। इसके अपोजिट होती है आर्सेनिक, आर्सेनिक में बैक पे सोता है ना तब उसको आराम मिलता है। और जो भी इसके सीक्रेशंस होंगे वो बहुत प्रोफ्यूज होंगे, जैसे चाहे स्वेट हो, यूरिन हो, वाटरी स्टूल, सलाइवेशन, मतलब सब इसके सीक्रेशन जितने भी होंगे वो प्रोफ्यूज होंगे। इसका हेमरेजिक डायस्थेसिस होता है, इसका मतलब क्या है, हेमरेजिस होता है उसको हर एक म्यूकस आउटलेट से, जैसे नोज से हो गया, थ्रोट से हो गया, लंग से हो गया, स्टोमक से हो गया, यूट्रस से हो गया। अब ये इसके सारे की सिम्टम्स हैं, इनको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे एक कमज़ोर गाय है, ठीक है, कमज़ोर गाय है जिसकी बर्निंग ड्राई होट है, कमज़ोर गाय है जिसकी बर्निंग ड्राई होट है। तो कमज़ोर है, कमज़ोर से क्या होगा, उसको एनीमिया होता है, एनीमिया डेबिलिटी होगी ना इसको, एनीमिया विथ डेबिलिटी। और बर्निंग है तो उसकी प्यास कैसी है, बर्निंग है। और फीवर के अंदर उसकी जो स्किन है वो भी क्या होती है, बर्निंग ड्राई होट ही रहती है उसकी स्किन फीवर के अंदर, ठीक है। और उसकी जो प्यास है वो कैसी है, बर्निंग है फीवर के अंदर। और उसको मतलब कि जो गाय उसके अंदर क्या होता है, यूरिनेशन होता रहता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन होगा। और जितने भी सीक्रेशंस होंगे वो भी क्या है, प्रोफ्यूज, मतलब सलाइवेशन भी क्या होगा उसमें, प्रोफ्यूज। सो थैंक यू गाइज, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटी मेडिसिन्स हैं।